दादा पीयूष ने ये एक्ट मुझे तो डेडिकेट किया ही था बट एक और ऐसे शख्स है जिनको उन्होंने ये एक्ट डेडिकेट किया था मैं चाहती हूँ कि वो मंच पर आए और हमें बताए कि उन्हें ये एक्ट कैसा लगा अरे तालियां हो जाए इनके लिए पीयूष सस्पेंस में से पर्दा हटाओ कौन है ये जिनको आपने आज का एक्ट डेडिकेट किया था ये मेरे गुरु है अमोल घोटेकर सर और ये सब कुछ है मेरे लिए मैं इन्हें अपना पापा मानता हूँ क्योंकि एक पापा वो है जिन्होंने मुझे घर दिया एक पापा ये है जिन्होंने मुझे जीना सिखाया आठ साल से मैं सर के पास डांस सीख रहा हूँ एक वक्त ऐसा आया मैंने सर को कहा कि सर मैं डांस क्लास अभी नहीं कर पाऊंगा कंटिन्यू मैं छोड़ रहा हूँ तो सर ने कहा कि तू फीस मत दे चलेगा लेकिन तू क्लास मत छोड़ना उस दिन से आठ साल हो गए सर मुझे फ्री ट्यूशन दे रहे हैं कभी मुझसे फी के लिए कभी कुछ नहीं पूछते उल्टा मुझे कपड़े लेके देते मेरा फोन का रिचार्ज मेरा पेट्रोल सब कुछ सर देखते इवन खाने पीने का सब कुछ ध्यान सर रखते हैं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है सब इसकी मेहनत है मैंने कुछ नहीं किया इसके लिए जो भी किया है खुद इसने किया इसमें टैलेंट है सब चीजें इसमें है मैंने कुछ नहीं किया जिस वक्त मैं अपनी नौकरी से छूट गया था उस वक्त मैं अपने परिवार को पालने के अलावा इसके डांस के शौक के लिए इसका ट्यूशन लगाऊं या कुछ करूं इस टाइप की मुझे कोई ऐपत नहीं थी मैं सिर्फ अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा यही देखने इधर उधर अपनी नौकरी के लिए घूमता फिरता लेकिन उस टाइम कहा मतलब भगवान कृपा से अमल सर की डांस क्लास हमें मिली मैं अपने बच्चों को इनके पास ले गया और मुझे लगता कि शायद तीन ही महीने इन्होंने मेरे से फीस ली उसके बाद कभी इन्होंने मुझे फीस के लिए नहीं पूछा मैंने एक बाप होके जन्म तो दिया लेकिन जो आज मेरा बच्चा इस मंच पे खड़ा है इस साचे में ढालने का जो काम किया वो अमल घोटेकर सर ने किया आज मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ अमल मैं एक्चुअली एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आज वो यहाँ पे इस मास्टर ब्लास्टर इस टीम में परफॉर्म कर रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि आपने उसको इतना सपोर्ट किया तो आज एक गुरु से दूसरे गुरु के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थैंक यू सो मच थैंक यू मैंने तो खाली डांसर भेजा था फिनिश तो आपने किया एक्चुअली था नागपुर में नंबर वन है करता था लेकिन जहाँ आके तो इंडिया लेवल का हो गया सर मैं जो कुछ भी हूँ यहाँ पे हूँ सिर्फ आपके वजह से हूँ मैंने इतना तो नहीं कमाया कि मैं उन्होंने जितना मेरे लिए किया वो चुका सकूँ बट एक चीज कमाई है जो मैं आज उनको यहाँ देना चाहता हूँ प्लीज मैंने सर को कभी हग नहीं किया क्लास में यहाँ तक आता हूँ कभी यहाँ थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए और यहाँ पे हमारे मंच को और पवित्र किया प्लीज अपनी सीटें ले लीजिए संकेत और पीयूष अब इंडिया का वर्डिक्ट और इंडिया ने जिस डांसिंग स्टार को आज सेफ घोषित किया है उसका नाम है संकेत संकेत आज आप सिर्फ सेफ ही नहीं है आप सेकेंड हाईएस्ट वोट गेटर हैं पूरे इंडिया से डीआईडी 6 में इस हफ्ते तालियां हो जाए वाउकर के लिए पीयूष के लिए बहुत वोट्स आए पर वो इस हफ्ते आपको सेफ नहीं रख पाए पीयूष यू आर इन बॉटम 3 प्लीज अपनी सीटें ले लीजिए